हजरतगंज मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से बिजली के खंभे नहीं लगने के कारण स्थानीय लोग पेड़ों एवं बांसों के जरिए बिजली का तार लटकाने को मजबूर हैं और कई मर्तबा शिकायत करने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और उन लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इन मुद्दों को लेकर बिहार विकास मोर्चा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने आंदोलन करने की बातें भी कही हैं। बहुत ज़्यादा है कि यहाँ तकरीबन 1000 फीट मीटर दूरी पे एक भी बिजली का खंभा नहीं है और हम लोग सबको बोल बोल के थक गए। बोला कि दो जनवरी को आपका पोल गड़ जाएगा और बार बार जा रहे हैं मेयर के पास, मेयर से भी बोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो बिजली विभाग का काम है, बिजली विभाग के काम है, लेकिन जो वार्ड परिषद है तो उनके अंडर में आता है, टेंडर उनको आता है, वार्ड पार्षद नहीं देख रहा है। वार्ड पार्षद देखने के लिए भी नहीं आता है, मेयर है यहाँ का 42 नंबर। ये आखिर बिजली का कनेक्शन लेने के बाद कैसे बिजली पहुंच रही है सबके घर? बिजली पहुंच रही है कि एक तार में 5 आदमी 6 आदमी का लाइन जल रहा है। तो क्या ये पेड़ पौधे पे ले जा रहे हैं? पेड़ पौधे पे ही जा रहा है, आपका सामने है सर, देख सकते हैं पेड़ पौधे पे जा रहा है। कितने बहुत दिनों से, कितने दिनों से ऐसी स्थिति बनी? 2009 से सर ये स्थिति है, क्योंकि 2009 में हमारी घर यहाँ बनी थी, बगल में मेरी घर है। अभी तक कुछ नहीं, हम लोग कितना कंप्लेन दे चुके हैं। कितना लोग चलाता होगा इस तरह से कनेक्शन? 500 कनेक्शन है, ऊपर है 500 कनेक्शन है, ऊपर ही है सर 500। पूरा मोहल्ला में कहीं भी पोल नहीं है, आप कहीं भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, कहीं भी पोल नहीं है। ये बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या का। और अभी जो है आज के डेट में जहां 50 फीट पे पोल गड़ी हुई है वहां 25 फीट पे पोल डबल कर रही है, लेकिन इस मोहल्ला में एक भी पोल नहीं है तो पोल नहीं कर रही। हजरतगंज के साथ साथ कई ऐसे गाँव है कि जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। सरकार सिर्फ आश्वासन, सरकार का सिर्फ कागजी, आपको हर जगह की नई बिजली 18 में 24 घंटा बिजली मिलेगी, 17 से यूँ कर रही कि मैंने पूरे बिहार में पर्याप्त बिजली मिलेगी, लेकिन अभी तक 25% गांव ऐसे हैं कि जहां वहां खंभा तक नहीं पहुंची है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव भी किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन ही रह जाती है। और इसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन फिर बनाने जा रहे हैं, आप कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, आज भी कई मुकदमा मेरे हम लोगों के ऊपर, बिहार विकास मोर्चा के लोगों के ऊपर है। हम आपके माध्यम से यहाँ के शासन और प्रशासन दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं कि पूर्णिया की आवाज़, जनता की आवाज़ बिहार विकास मोर्चा है और बिहार विकास मोर्चा बिजली की समस्या को लेके पहले से भी आर पार की लड़ाई लड़ी है और फिर आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर घर को बिजली मिलेगी, हर गांव को में बिजली जाएगी, नहीं जाएगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे।